देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर देश के नेताओं में शोक का माहौल व्याप्त है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर गोरखपुर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने श्री वाजपेयी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए राजनीतिक क्षेत्र के एक युग के अंत की बात कही। अटल जी का पूरा जीवन देश के लिए समर्पित रहा है। अटल जी केवल एक व्यक्ति नहीं, वो विचार है और निश्चित रूप से ऐसे महान नेता की भरपाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी। एक युग का समापन हुआ है। हम सब मर्माहत हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा की शांति हो मिले। देश ही नहीं विश्व के महान नेता आदरणीय अटल जी के निधन से जो रिक्तता आई है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के तरफ से उन्हें भाव विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। और मैं पार्टी नहीं देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरे देश के नेता रहे और विश्व के सर्वमान्य नेता रहे। आज उनके निधन पे हम सभी मर्माहत हैं। इसकी भरपाई होना असंभव है। आज एकत्रित होकर के हम सभी उनके श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो ऐसे ईश्वर से कामना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने पोखरण विस्फोट करके दुनिया को भारत की निश्चित रूप से आज प्रतिष्ठा का बोध कराया है और स्वर्ण चतुर्भुज योजना उनकी अभूतपूर्व देन है। पूरब से पश्चिम को जोड़ने के लिए आज उन्हें हम नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ये ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति होना असंभव है और लेकिन उनके दिखाए मार्ग पे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ के उनके नाम रोशन करने के लिए उस पूर्ण क्षति को पूर्ण नहीं कर सकते लेकिन प्रयास में थोड़ा बहुत कार्य करके इस पार्टी को और आगे बढ़ाने में अपनी पूरी समय मैं उनको सशक्त नमन करते हुए अपने श्रद्धा समर्पित करता हूँ।